आप देख रहे हैं अमेज नाउ। सिद्धार्थनगर जनपद पुलिस ने वायरल हुए वीडियो पर लिया एक्शन। सिद्धार्थनगर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस बार वायरल वीडियो सदर थाना क्षेत्र के कपिया मिश्र गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी प्रमोद राव के घर का बताया जा रहा है, जिसमें लाठी डंडों से लैस गाली गलौज करते लोग दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर मारपीट के वायरल वीडियो को सिद्धार्थनगर पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए 3 व्यक्तियों को तत्काल गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह बातें अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सुरेश चंद्र रावत ने मीडिया को बताई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो भी प्रत्याशी हैं, और उनमें कई जगहों पर कुछ हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स भी हो जा रहे हैं। और कल एक गांव में मारपीट हो गई है, उसको हम लोगों ने, जो देवकली गांव है उसमें मारपीट हुई, एक व्यक्ति के साथ घर में घुस करके मारपीट किया दूसरे प्रत्याशी ने, उस पर तत्काल हम लोगों ने संज्ञान लिया और CO सदर राणा महेंद्र हैं उनको तत्काल मौके पर भेजा। पूरे पुलिस बल ने 3 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है और उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। सिद्धार्थनगर से संदीप मदेसिया की खास रिपोर्ट।